मुझे कैमरों का काफ़ी शौक है, आपको पता है यूट्यूबर है तो यूट्यूबर को गैजेट का शौक होता ही है, कैमरों का, फोन का वगैरह। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत बढ़िया चीज दिखाने वाला हूँ। मतलब अब तक मैंने जितने भी फोन चार्जर वगैरह लिए सारों के बॉक्स पड़े, तो बॉक्स को एक एक खोलेंगे और उस बॉक्स से जुड़ी जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी हम देखेंगे, तो काफी कॉमेडी व्लॉग होने वाला है। और अभी टाइम हुआ है शाम के 5 बजे है, तो मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये तो कपड़े, ये देखिए ये सब फोन के बॉक्स है, जो केस वगैरह सब कुछ हम देखेंगे। तो ये आज मैं पूरा एक्सप्लोर करने वाला हूँ और फिर एक दिन इसे भी करेंगे। तो इसको पहले तो बाहर लेते हैं। किस में लेते हैं? कोई ला रखने के लिए, ला कोई पढ़ने के लिए। पूजा की थाली नहीं, कोई दूसरा लेके आ। एक चीज थोड़ी झलक दिखा देता हूँ, ये देखिए ये क्या है। अरे रुको, और भी है, वो लैपटॉप भी देखेंगे, और हाँ, और वो ट्राइपॉड वगैरह सब कुछ देखेंगे। और मेरे पास एक एक्शन कैमरा भी है, वो भी देखेंगे। उसमें भी मेरा खतरनाक वाला पॉपअप हुआ था। तो ये पूजा की थाली तैयार हो रही है, तो पहले यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये है लैपटॉप HP का, ये है ट्राइपॉड कौन सा है पता है? ये देखिए सिंपेक्स 3600। तो ये इसने बिखेर दिया पूरा पैक कर, फिर एक एक चीज देखेंगे सब। और देखिए यहाँ पर इतना ऊपर, यहाँ पर ये पड़ा है एक्शन कैमरा। ये चीजें भी देखेंगे, इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जिनके बॉक्स वगैरह नहीं है, तो ये हम देखेंगे। और इनके कितने पैसे लगे हैं और कब कब ये चीज लाई है, सब कुछ देखेंगे। ये है एक लाइट जो मैंने बनाई थी, पूरी कलाकारी करके देखिए। लाइट नहीं बनाई, लाइट बॉक्स बनाया। हाँ, ये लाइट बॉक्स, इसके अंदर क्या लगा हुआ है देखिए 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 झाकिए। ओहो, दो बल्ब है, मैं खुद भूल गया दो इसमें। ये सब चीजें आ चुकी है, सब देखेंगे सब। तो कहाँ से शुरुआत करते हैं? शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। दोस्तों, ये है नाम का एक्शन कैमरा, स्पोर्ट कैम। ये मैंने लिया था लगभग 2016 में। मुझे कैमरों का काफी शौक है, आपको पता है यूट्यूबर है तो यूट्यूबर को गैजेट का शौक होता ही है, कैमरों का, फोन का वगैरह। तो मेरे मन में कैमरों का काफी शौक था, तो मुझे कैमरा लेना था। तो बड़े बड़े कैमरे तो आउट ऑफ बजट थे, तो मैंने सोचा कि कोई कैमरा ले लूँ। फिर मैंने ये कैमरा देखा, तो मैं कैमरे का सर्च वगैरह करता रहता था, तो मेरे पास कहीं से एड आई इस कैमरे की, तो मैंने एड पर जाकर ऑनलाइन बुक कर दिया। मैंने ये देखा, इसमें ये लिखा हुआ 1080 पिक्सल फुल HD, तो मैंने सोचा क्वालिटी आएगी, ठीक है, ऐसा करेंगे तो अपना तो मतलब नाम हो जाएगा। तो मैंने उस हिसाब से लिया। वापस मैंने ये देखा हेलमेट पे लगे रहा, और इसकी वो स्पेसिफिकेशन देखी, ये 1080 पिक्सल वाटरप्रूफ वीडियो, 1920x180 पिक्सल, पूरा मतलब खतरनाक स्पेसिफिकेशन है। तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं, तो मैंने फाइनल इसको ऑर्डर कर दिया। और फिर कैमरा आया, तब से ऐसे ही पड़ा है। ऐसे क्यों पड़ा देखिए, क्योंकि ये है, ये मतलब ऐसे खिलौना ही है, इसके अंदर कोई 1080 पिक्सल की क्वालिटी आती नहीं। मतलब कैसा आता है पता है, पहले कैसे फोन आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसे पूरा अंधेरा अंधेरा। इससे अच्छा था जो वो कैमरा होता है ना, वो जियो फोन का CCTV कैमरा, इससे अच्छा है। अभी तो और अच्छे आते हैं, लेकिन पहले वाला CCTV कैमरा भी इससे अच्छा है। कीपैड वाला फोन का कैमरा जैसा होता है वैसा होता है। केवल इसकी एक चीज मुझे अच्छी लगी है कि ये इसकी ये बॉडी मजबूत है, ये भी वाटरप्रूफ है नहीं, वो मैंने चेक नहीं किया। तो तब से ऐसे ही पड़ा है, कोई कुछ काम का नहीं है। मैंने इसमें मेमोरी डाली थी, गुस्सा आ रहा है, मम्मी जितनी बार देखती है इसका बोलती है कि तेरे वो कैमरा है ना, उससे काम करना। तो अभी देखो, अभी मम्मी यहाँ से गुजरे, लेकिन देखा ना तो मम्मी पक्का बोलेगी, अरे ये तो खोल गया। बस अंतिम संस्कार हो जाएगा इसका। बॉडी वगैरह सब इसकी वो GoPro टाइप की वो ऐसी है, लेकिन इसके लक्षण ऐसे नहीं है। तो ये उस टाइम मेरे पॉकेट हुआ था, मैंने ये लिया था 1600। तो फिर उस टाइम मुझे अकल ही इतनी थी कि 1600 रुपए में मुझे कौन इतना मतलब ऐसे GoPro टाइप कैमरा देगा, इसका काम हो गया। और ये जितनी बार मम्मी देखती है उतनी बार मुझे कहती है कि फालतू के पैसे बर्बाद किए ये। और फिर मैंने बीच में देखो, मैं फिर स्क्रीन रिस्पॉन्स चलाता था, तो हर किसी के मन में एक बार आता है कि फोन की झंझट मारे छोड़ते, बटन वाला फोन लेंगे और फालतू भेजा मारे कुछ नहीं करेंगे। तो 2016 में ही मेरे दिमाग में भी ऐसा ख्याल आया था, तो मैंने स्क्रीन टच फोन वगैरह सब छोड़ दिया और उस टाइम मैंने ये फोन लिया था। ये है माइक्रोमैक्स का, ये मैंने 1600 रुपए, 1600 पैसा तो याद नहीं आया, शायद 1600-1500 का लिया था। तो मैंने लिया था कि उस टाइम में सब फोन वगैरह छोड़ते और बटन वाला फोन चलाते हैं। तो फिर ये फोन लेने के बाद वापस अकल आई कि अपने बटन वाला फोन से नहीं चलेगा। तो कुछ दिन ये चलाया, तो ये फिर शायद से बेच दिया था, ये हम खराब हो गया पता नहीं। और ये एयरफोन ये कहीं से मैंने लिए थे पता नहीं, इसका याद नहीं आ रहा। ये देखो, ये भी एंटीक है, क्या पता अभी ऐसे चलते ऐसे फिट होते या ऐसे फिट होते पता नहीं। ये फोन हो गया। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप बताना, आपके दिमाग में कभी ना कभी ऐसा ख्याल आया होगा कि थोड़े दिन ऐसे चलते हैं कि स्क्रीन टच फोन छोड़ते, टच स्क्रीन वाला फोन छोड़ते, छोटा फोन रखते, कीपैड वाला। फिर ये है
रेडमी का A4, ये फोन पापा के लिए, मतलब पापा ने लिया था, और ये फोन A4 नहीं, 4A, 4A, ये कब लिया था लगभग, ये भी 5-6 साल हो गए। अभी जो मैंने इससे 2 व्लॉग पहले जो बैटरी चेंज की है, इस फोन की चेंज की है, इसके तो 5,000 4,500 या 6,500 देखो अब। हाँ ये पहले लिया था, ये भी घर के लिए, मतलब काम के लिए लिया था, अभी पड़ा है, अभी पड़ा है, और इसके अंदर ये सब ये एयरफोन वगैरह पड़े थे। कब लिया था ये देख लेते हैं, देख मैं आपको बता देता हूँ इसका रिव्यू। लिया था आपने 2018 में। फिर बात आती है इसकी, इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है इसके बाद फिर मैंने ये लिया बटन वाला, फिर मुझे लगा कि बटन वाले से काम होगा नहीं, तो फिर मैंने ये लिया था ओप्पो का F11 है शायद, F1 भाई, इसमें ओप्पो लिखा हुआ है, तो ओप्पो का लिया था ये शायद, बताया ये मैंने सेकंड हैंड लिया था, बॉक्स तो मिला था सेकंड हैंड, 18,000 का था, सेकंड हैंड में 12-13,000 में मैंने लिया था। फिर ऐसे काम चल ही रहा था, फिर उसके बाद मेरे पास एक फोन आया ऑनर 7X, जो 2017-18 में लिया था, वो मैंने काफी चलाया। अभी घर पर जो फोन है मम्मी का, वो ऑनर 7X है, उसको पापा ने भी यूज किया था, और फिलहाल अभी वो घर पर है। उसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था, लगभग 14,000 का मंगाया था, और मैंने मतलब उस टाइम मुझे ऑनलाइन मंगाना इतना आता नहीं था, और मैंने सुमेरपुर मंगवाया था किसी दुकान वाले के पास, और दुकान वालों ने 500 रुपए एक्स्ट्रा लिए थे मंगाने का, उस टाइम दिए 500, अभी तो मैं दूसरों का खुद मंगा लेता हूँ। और फिर ये है Realme 6i, ये फोन अभी मेरे पास है, ये फोन पापा लेके आए थे, पापा ने अपने लिए लिया था, पापा ने मुझे दे दिया, और मेरे पास फिर Honor 7X का था, वो पापा को दिया, तो अभी ये मेरे पास है, और Honor 7X पापा के पास नहीं है। अब पापा के पास क्यों नहीं है, क्योंकि फिर एंट्री होती है इसकी Galaxy A13, तो फिलहाल ये पापा के पास है, इसको मैंने लिया था लगभग 16-17 हज़ार में, लगभग 17,500 में, फिलहाल इसकी रेट काफी डाउन है। जियो का टाइम आता है, तो अपन को कपिल शर्मा शो देखने की और जेठालाल वगैरह देखने की आदत है, तो नया नया जियो आया था उस टाइम, नीचे नेटवर्क था नहीं, पकड़ता नहीं था, तो ऊपर जाना पड़ता था, फोन लेके ऐसे जमा के देखना पड़ता था, तो हर बार तो ऐसा कर नहीं सकते। फिर मैंने लिया था ये, इसकी एंट्री होती है फिर, तो ये मैंने लिया था 999 रुपए का, इसको ऊपर रखते थे तो नीचे नेटवर्क आ जाता था, इससे फिर वो देखते थे, तो फिर इसको इसलिए लिया था, ठीक है। इसमें बैटरी वगैरह है एकदम A to Z रेडी है, बेचना है किसी को चाहिए तो कमेंट कीजिए, बड़ा है बेच नहीं क्या चलता है, तो ये इसका बॉक्स है, और ये इसके अंदर ये है, ये घड़ी है जो कि मैं डालता नहीं हूँ। तो इसी बीच फिर एक और फोन की एंट्री होती है, ये है जियो डिजिटल लाइन, ये शायद ही ऐसा फोन है जो किसी के घर में नहीं होगा, मतलब अभी तो नहीं होगा, अभी तो इसकी 12-13 भी हो चुकी होगी लेकिन ये आया सबके पास जरूर था, और हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट की तरफ से दिया था 1100 रुपए में, और 1100 रुपए मतलब अकाउंट में आए थे गवर्नमेंट की तरफ से, फिर फोन लाया था, तो फिलहाल ये मतलब इसकी 13वीं वगैरह सब हो चुकी है, फोन तो है नहीं, बॉक्स इसका अभी तक है। फिर मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता हूँ, जहाँ मुझे जरूरत पड़ती है माइक की, मैं ये लेता हूँ 800 रुपए का लगभग, ओया M1 माइक जो यार लगता है, माइक खोल कर देखते हैं, पता है आपने देखा होगा ये माइक, देख लीजिए फिर। और ये सब चल ही रहा था, फिर मैं व्लॉग चैनल स्टार्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ कि एक आईफोन ले लेते, फिर आईफोन ले ही लेता हूँ, फाइनली बारी आ जाती है आईफोन की। तो ये है आईफोन का बॉक्स, ये इसके अंदर है, मतलब ये है आईफोन, अपना आईफोन 13, और ये है चार्जर। तो ये आईफोन मैंने लिया है लगभग आप मानो लगभग 70, ठीक है सब कुछ मिलाकर, क्योंकि इसको भी अभी 5-6 महीने हो गए, 4-5 महीने पता नहीं, व्लॉग देख लो व्लॉग कब है, व्लॉग डाला हुआ है जब लिया था। तो इसके अंदर देखिए, ये तो है अपना आईफोन का बॉक्स, और इसके अंदर ये जो खोलने का वजह है भाई साहब, मैंने 2 बार एक वापस चिपकाया वापस खोला, और ये इसका क्या है बिल होगा, एप्पल अच्छा ये तो चार्जर का बिल है, तो ये सब इसके बिल है, तो इसको वापस ऐसे फिट कर देते हैं, क्योंकि बिल वगैरह तो इसके तो काम के हैं। तो ये अपना आईफोन 13, और ये चार्जर, इससे जो स्टोरी सुनाते हैं आप व्लॉग तो देख लेना, व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। ये मैंने ऑर्डर किया, और फिर ये मतलब आ चुका था, और मुझे मतलब मैसेज आ गया कि आपका ये पार्सल आज डिलीवर हो जाएगा, फिर मुझे जो डिलीवर कर रहा था बॉय उसका नंबर आया, तो 9-10 बजे मैसेज आ गया, सुबह आ जाता है, तो मैंने कॉल किया भैया आप कब देने आ रहे हो, मैंने ऐसा कहा कि कब देने आ रहे हो, मेरे बैग वगैरह तैयार है, मैं उदयपुर था तो मुझे मेरे गाँव जाना है, तो वो बोला सब लोग ऐसे कहते हैं सबके बैग तैयार है, मेरा काम है मैं दे दूंगा, फिर उसने कॉल कट कर दिया, फिर मैंने वापस कॉल किया, कम से कम
तुम टाइम तो बता दो, मुझे रियल में जाना है गाँव, इसलिए मैं क्या क्या बोल चाल हुई और उसको गुस्सा आया, उसने फिर वो पार्सल कैंसिल कर दिया। फिर मैं जहाँ से वो हब एंड ई कॉल लॉजिस्टिक मेन सेंटर में गया और फिर वो लेके आया, वहाँ लेके आया तो ये मैंने ऐड टू कार्ट किया नहीं, तो ये अलग आया था, तो ये ऑनलाइन वाला फिर कैंसिल कर दिया। फिर रातों रात दुकान से ये लेकर फिर रात को उदयपुर से गाड़ी में बैठ कर आ गया घर। अगर आपको इसकी स्टोरी समझ में नहीं आई है तो वो लोग देख रहे हैं। आईफोन फोन भी गिरता है, एक टावर भी गिरता है। फोन लेते ही, फोन खोलते ही मैं दुकान में गया, ऐसे तो ऐसे दुकान में ग्लास वगैरह डलवाने गया रात, उस दिन जिस दिन रात को लिया था उसके, तो बस ऐसे ऐसे हुआ तो उसकी खतरनाक फोन लग गई। तो मैंने जल्दी जल्दी बिना कुछ सोचे समझे उसको बोला कि इसके जो कुछ भी हैंड पहनाना आईफोन को पहना लो। तो उसने ये 450 का एक तो ग्लास लगाया और 200 से शायद वो ग्लास लगाए वो कांच के पीछे, वो तो फोन गिरा तो वो तो टूट गया निकल गया ठीक। और ये डालने को कवर है, ये 200 का कवर लिया और फिर 1700 का लगभग अडाप्टर लिया और फिर ये कवर मैंने लिए, ये कवर लिया, ये मैंने लिया 130 का ट्रांसपेरेंट अपने तगत के स्टॉक से लिया, ये मैंने सुपरपुर से लिया था, ये लिया था मैंने 750 का। ये बैटरी पप्पा ने भेजी है जो कि लिए फोन में डाली है Redmi 4A में। और ये Honor 7X का कवर है जो अभी फिलहाल खराब हो चुका है और Honor 7X का अभी न्यू कवर ऑर्डर किया है, वो आएगा तो नेक्स्ट व्लॉग में हम देखेंगे जब भी आएगा, कल परसों आने वाला है। और ये चार्जर है जो घर के वाला ये फोन है उनमें चार्जर खराब होता रहता है तो नए नए लाते रहते हैं। फिलहाल यही था आज के इस व्लॉग में, कि आपके पास भी होगी, हर किसी के पास ये सब कुछ होता है, ये सामान फालतू फालतू नहीं, ये काम का है, ये कितने पैसों का सामान है, बहुत सारे पैसों का। तो फिलहाल आज के इस व्लॉग को यही पे एंड करते हैं, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है तो मेरे साथ कमेंट करके जरूर साझा करें। बाय बाय, आगे मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू। अब दोस्तों व्लॉग के लिए सब बिखेरा तो किया है, अब इसको वापस सही से सफेद ना पड़ेगा, काम बढ़ गया।